मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मायो है। आज मैं चॉपस्टिक्स इस्तेमाल करने का तरीका सिखाऊंगी। ठीक है, तो शुरू करें। भारतीय लोग हाथ से या चम्मच से खाना खाते हैं ना? जापानी लोग चॉपस्टिक्स से खाना खाते हैं। इसको जापानी में ओहाशी, ओहाशी कहते हैं। हाशी है बेसिकली, ओ लगाकर थोड़ा सा पोलाइट कर देते हैं, तो ओहाशी। ये नया वाला है, ये देख सकते हैं, बिल्कुल जापानी टाइप की पेंटिंग्स लगी हुई है। हाँ, तो ये सुवेनियर के लिए अच्छा है ना। अब मैं इसको खोलूंगी। दो डंडे से बनता है चॉपस्टिक्स। मुझे पता नहीं चॉपस्टिक्स स्ट्रिंग है या पुलिंग है। चलो आज मैं पुलिंग इस्तेमाल करूंगी, अगर गलत है तो बताइए। हाँ, तो ये ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं। चॉपस्टिक्स इस्तेमाल करना सब जापानियों को आता है, तो कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मुश्किल है ना, मैं अभी दिखाऊंगी। सबसे पहले एक चॉपस्टिक इसको लेके प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तीन फिंगर्स से ऐसे करके पकड़ते हैं, ऐसे करके। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए दो ये दोनों फिंगर्स को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे करके हिलाते हैं। ये एक प्रैक्टिस है, बच्चों को सिखाने के लिए ऐसे करते हैं। हाँ, तो अब एक चॉपस्टिक पकड़ने का तरीका तो सीख लिया, अब दूसरे डंडे भी पकड़ते हैं। ऐसे करते हैं, ठीक है। इस फिंगर के ऊपर ऐसे करके रखते हैं। हाँ, तो ये वाला चॉपस्टिक्स हिलाते नहीं, सिर्फ इसको हिलाकर चॉपस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए। समझ गए? फिर से सिखाऊंगी। ये तीन फिंगर्स से ऐसे पकड़ते हैं, हिलाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद दूसरा ऐसे डाल देते हैं। तो नीचे वाला चॉपस्टिक हिलाते नहीं, ऊपर वाला ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? हमारे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ मुश्किल होगा, तो प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, अब चॉपस्टिक से इस्तेमाल करके खाना खाऊंगी। ये साबा नामक एक मछली है, ऑलरेडी तैयार हुआ है, सुपरमार्केट से खरीदी। अब इसको गर्म कर देती हूँ। ये है मिसो सूप, ये खुद बना सकती हूँ, लेकिन अगर समय नहीं हो तो ऐसे इंस्टेंट वाला मिसो सूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिसो सूप दो चीजों से बनती है, ये है मिसो और दूसरा। ठीक है, अब दिखाऊंगी। तो
미소, 액, 핫세, 아이사카를 너무 시끄러해. 예, 해, 미소. 예, 바호, 솔티해. 나막 바호테. 예, 해. 올, 있으면, 뼈지, 약구치. 바닐 자이시 치즈온, 바가이라. 또 이스코 피달 데테 해. 에세 시위드 네기 스프링 오니온 야쿠츠 지젠 아브 이스멘 그람파니 달테 해 그람파니 타이얼 해 जापानी चावल है, ये मछली है, और ये सलाद है, और ये मिसो सूप है। जाजां! खाने का समय आ गया। इतादाकिमास! हाँ, जापानी लोग खाने से पहले इतादाकिमास बोलते हैं। इसका मतलब है, वो जान है ना, जैसे कि मछली। हमने मछली को मार दिया और अब खा रही हूँ तो मछली के लिए धन्यवाद करना पड़ता है इसलिए हमेशा इतादाकिमास बोलते हैं मतलब खाने के लिए धन्यवाद ठीक है तो अब खाती हूँ ऐसे करके खाती हूँ ना सबसे पहले मछली खाऊंगी हाँ अच्छा है ये मछली बहुत अच्छी है हाँ जापानी में ओइशी देसु कहते हैं ओइशी मतलब स्वादिष्ट ओइशी これはとてもおいしいですこの魚はとても美味しいです。Yes, Kaya Tana, classmate. この魚はとても美味しいです。Matlab, ye machli achhi hai. Swadisht hai. ठीक है? और miso soup. शायद मैंने पानी ज्यादा डाल दिया. लेकिन ठीक होगा. ये सलाद है शायद मेरा रिएक्शन थोड़ा सा कम होगा YouTube वीडियो के लिए लेकिन हमेशा मैं ये खाती हूँ अच्छा है लेकिन इतना ये बहुत अच्छा है ऐसा इतना ओवर रिएक्शन तो नहीं करती हूँ क्योंकि हमेशा खाती हूँ मुझे पता है ये स्वाद कैसा है ना अच्छा है हाँ मैं खाती रहूँगी ये हड्डियां है मछली का ऐसी छोटी छोटी चीजों को पकड़ने के लिए चॉपस्टिक सबसे अच्छा है ना ये चम्मच या फोक से ऐसा नहीं कर सकते है ना तो जापानी खाना खाने के लिए चॉपस्टिक सबसे आसान है अच्छा है ठीक है ごちそうさまでした जापानी ने खाना खाने के बाद गोचिसो समादेष्टा कहते हैं मतलब खाने के लिए धन्यवाद ठीक है तो आप समझ गए चॉपस्टिक इस्तेमाल करके खाना खाने का तरीका आजकल जापान में विदेशी लोग बहुत हैं और सभी विदेशियों को जापानी चॉपस्टिक इस्तेमाल करना नहीं आता है इसलिए चिंता ना कीजिए लेकिन अगर आप चॉपस्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं तो ज्यादा मजा आएगा अगर आप जापान में आते हैं तो जरूर प्रैक्टिस कीजिए ठीक है आज के लिए इतना ही मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे またね सायोनारा
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।